लवली स्टूडेंट्स, दिस इज आत्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 को हम करते करते हम एक मेथड भी सीखेंगे जिसका नाम है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये मेथड यूज होता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। वैसे तो स्क्वायर रूट निकालने के 3 मेथड हैं और ये सबसे पहला मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो इसको हम आज यहाँ पर हमें एक पार्ट दिया गया है 100 और इसको हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से सॉल्व करना है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे हमें ये मेथड भी समझ आ जाएगा। तो ये पहला मेथड स्क्वायर रूट निकालने का, ठीक है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना है, हमें जो नंबर दिया जाएगा हमें उस नंबर में से कंटिन्यूशन में हमारे को ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ऑलवेज 1 से ही स्टार्ट करते हुए ऑड नंबर सक्सेसिव ऑड नंबर्स माइनस करते जाना है। यानी कि आप हमेशा 1 से ही स्टार्ट करेंगे। 1 से स्टार्ट करते करते अब आपको कहां तक जाना है ये बात आपको बता देती हूँ। आपको तब तक नंबर लेते जाना है जब तक सब्ट्रैक्शन का आंसर 0 ना आ जाए। तो देखिए कैसे, और हमारे को स्टेप्स भी गिनते जाना है कि किस स्टेप में हमें 0 मिला है। हमने यहाँ पे पहला स्टेप लिया है, जैसे कि मैंने 100 लिया। 100 को मैं सबसे पहले 1 से माइनस करूंगी, ठीक है। हमारा पहला ऑड नंबर 1 होता है, आया 99। फिर सेकंड स्टेप में यही 99 आगे फॉलो करेंगे, फिर 3 माइनस करेंगे क्योंकि 1 के बाद सीधा ऑड नंबर 3 आ जाता है। 99 माइनस 3 96 आ जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में आप इसी 96 को आगे कैरी करेंगे, 96 माइनस 5 और आगे 91। देन 91 को आगे लेके जाएंगे और आ जाएगा 5 में कि आगे नेक्स्ट आता है 7। 91 माइनस आप 7 करेंगे तो आएगा 84, ठीक है। देन 84 माइनस 9, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं ध्यान से देखिए। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपने सारे के सारे ऑड नंबर यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पर कोई भी इवन नंबर यूज नहीं हो रहा, स्टार्टिंग 1 से ही करनी है, ये भी कंडीशन है। कोई बीच में ऑड नंबर आपको मिस भी नहीं करना है, ठीक है। सिक्स स्टेप पे आइए, 75 को आगे लेके आ गए। 9 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर आता है वो आता है 11 और ये आपका आएगा 64। फिर आप 7 स्टेप पे आ गए, 64 में से आप माइनस करेंगे 13 और ये आपका आ जाएगा 51। फिर आ जाइए 8 स्टेप पे, 51 माइनस 15 करेंगे, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 46। अभी आपको कहाँ तक जाना है, आपको ये हो रहा होगा कि कहाँ तक चलते जाना है। तब तक चलते जाना है जब तक आपको 0 ना मिल जाए माइनस करके। 46 माइनस 15 का नेक्स्ट होता है 17, तो ये आपका आ गया 29, ठीक है। कुछ गड़बड़ है, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे माइनस करके हमारा 36 आएगा, ठीक है। मैंने 46 लिख दिया था, 36 है। 36 माइनस 17 करेंगे तो ये आएगा 19, ठीक है। अब 10 स्टेप पे यही 19 आगे फॉरवर्ड होगा और 17 के बाद अगला ऑड नंबर आता है 19, तो ये आ गया 0। अब आपको रुक जाना है। मैंने आपको क्या बोला था कि जब 0 आ जाएगा तो आपको रुक जाना है, ठीक है। अब इसमें इस मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको 0 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं फिर हम गारंटी नहीं लेते इस चीज की। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो डेफिनेटली आपको एक स्टेप में लास्ट में कहीं ना कहीं जाकर 0 जरूर मिलेगा। बस आपको दो बातें याद रखनी है, स्टार्टिंग हमेशा 1 से करनी है, कोई और नंबर मिस नहीं करना और माइनस में गलती नहीं करनी, जैसे कि मुझसे भी अभी हो गई थी। माइनस में अगर गलती हो गई तो फिर आगे के सारे स्टेप्स गलत हो जाएंगे, तो आपको इस बात का फोकस रखना है।
और अब आपको जीरो कहाँ मिला? अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है. वी गॉट जीरो, हमें जीरो कहाँ मिला? एट टेंथ स्टेप. टेंथ स्टेप पे आपको जीरो मिल रहा है. तो जो जिस स्टेप में आपको जीरो मिल रहा है वही उसका आंसर है. देखिए स्क्वायर रूट का सिंबल होता है ऐसा, ये स्क्वायर रूट कहलाता है. आपको 100 का निकालना था, आपने ऐसे बनाया, डेढ़ का सिंबल बना रखे. और टेंथ स्टेप में अगर आपको जीरो मिला तो 10 ही आंसर होगा. तो देखा आपने कि हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड सीखा है आज की क्लास में. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा है. हालांकि ये मेथड थोड़ा सा लंबा है और इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये इस मेथड को हम सिर्फ क्वेश्चन की डिमांड पे ही करते हैं, अदरवाइज हम इस मेथड को फॉलो नहीं करते हैं. अगर क्वेश्चन में कहा जाएगा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से ही चाहिए तभी हम इस मेथड को यूज करेंगे. अदरवाइज हमारे पास दो मेथड और हैं जो आने वाली क्लासेस में हम आपको सिखाएंगे. तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए. गुड बाय फ्रेंड्स.